ये अभी हमने ब्लैक कर चुका है, तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट। देखो हमारे एडिटिंग रूम में कौन आया है, चच्चू के पास देख रही है। गुड मॉर्निंग, चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। तो अभी हम सो के उठे हैं, 11:30 बज रहा है और हमारे पास एक आया है पार्सल। पार्सल को भी कलेक्ट किया है मम्मी ने। मम्मी तो इतनी परेशान रहती है ना कि रोज सुबह 10:30 बजे कोई भी आ जाता है, कार्तिक भैया। तो ये कुछ आया है पार्सल। तो भाई सुबह हो गई है और अभी जस्ट केले लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले शेक बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो भाई हमने ब्रेकफास्ट बना लिया है, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट, पहले इसको फाड़ लिया जाए। गेस व्हाट, बकवास दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा पीयूसी, प्लीज मैं नहीं दिखाऊंगा। तो ये आ गया है हमारे पास कुछ उड़ता फिरता यंत्र। तो ये क्या चीज है? तो हाँ, ये है ट्रैक्शन पैड। और ये क्या चीज है, तो इसको पहले दिखाता हूँ कि हमें ये लगाना क्या है और ये किस चीज के लिए है। तो हम लेके चलते हैं आपको अपनी बाइक के पास कि हमने क्या कांड करके बैठे हैं। चलो इसी बात पे घूंघट उठाते हैं बाइक का। राइट, तो ये आ गई हमारे पास बाइक। तो मेन दिक्कत क्या थी जो हमने मंगाया है, वो है ये देख रहे हो स्क्रैचेस। तो ये स्क्रैचेस हमने दिया था जब हम पहने थे घुटना वाला अपना नी प्रोटेक्टर। तो नी प्रोटेक्टर फाइबर का था और मुझे ध्यान नहीं था और मैंने रिलीज वगैरह मारी, तो इससे पैर से आ गए हैं यहाँ स्क्रैच। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भाई काफी मशक्कतों के बाद हम समझ गए हैं इसको ऐसे जमीन में बिछा के कि ये ऐसा ऐसा लगने वाला है। तो पास से भी दिखा दें आपको, तो ये ऐसे स्क्रैचेस आप देख रहे हो। ऑलराइट, तो देखते हैं हमारी शक्ल अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। ये ट्रैक्शन पैड मेरे को पड़ा है लगभग 1499, मतलब से 1500 रुपये का ये पड़ा है। बाकियों के ग्रिप के मुकाबले ये काफ़ी सस्ता है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और इसमें आपको यहाँ सामने का भी टैंक पैड भी मिल रहा है, टैंक ग्रिप भी मिल रहा है, पीछे ऐसा आपको 3M देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से लगाने के लिए ताकि, और यहाँ तो थोड़ा ये मेटल है बट यहाँ प्लास्टिक है, तो इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा और 3M अच्छे से लगाना पड़ेगा क्योंकि हल्का सा कर्व है, ताकि अच्छे से चिपके। तो चलो मेरे पास ये कॉलिन भी है, पहले कॉलिन से साफ करते हैं, फिर उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे ये अल्कोहल रबिंग करके, फिर 3M निकाल के लगाते हैं। ऑलराइट, तो कैसा लग रहा है आपको टैंक पैड और टैंक ग्रिप्स? तो देखो अब इसको हम जब ऐसे पैर रखते हैं ना, तो जो पूरा हैंडलिंग होता है ना वो हमारे पैर से ही होता है। हम चाहें तो बॉडी को ऐसा नहीं है कि हम हैंडल से ही पूरी बाइक को कंट्रोल कर रहे हैं। जब हाई स्पीड में रहते हैं, जब व्हीली या कॉर्नर्स सब में देखते हो, ये पैर से ही कंट्रोल होता है। तो अभी ये इतना प्रॉपर, अब ये ऐसा ग्रिप हो गया, मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया हूं कि मेरा पैर कितना कहां जाता है। अगर हमको कॉर्नर करना रहता है तो पूरा लेग के सपोर्ट से ही बाइक को हम होल्ड करते हैं, और वैसे ही सेम इस साइड भी होता है जब हम ऐसे करके पूरा ऐसे लीन होते हैं भाई। अरे फट गई। तो और बहुत सारी बाइक्स को भी ये बनाते हैं और सस्ता, मेड इन इंडिया है, तो भाई लगा सकते हो। और आज की वीडियोस देखने में आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि फुल ऑन मैं एडिटिंग इसमें काफ़ी कर रहा हूँ और काफ़ी ऑडियंस रिटेंशन वाली वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको मज़ा आए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है वीडियो। बस बेटा बहुत बढ़िया। क्या ही लग रही है बाइक, मतलब आंखें नहीं हट रही हैं, कितनी सेक्सी मॉन्स्टर लग रही है बाइक हमारी पूरी। आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, ये भी एंगल देखो, चेकआउट करो यार, क्या ही एकदम लोडेड बीस्ट लग रही है हर जगह से भाई, बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मालिश हो रहा है, हंसती है। कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। साउंड सुनाया जाए? चलो भाई साउंड सुनते हैं। और मतलब उन लड़कियों के जो रिएक्शन थे ना, सही है। आज के ब्लॉग में हम जो करने जा रहे हैं वो ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि जो हम ऐसा करने जा रहे हैं ये बहुत ही मदबुद्धि के लोग ऐसा ही सब काम करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं वो चीज़ जो हम आपको आगे करके दिखाएंगे। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल।
कितना सस्पेंस बनाना पड़ता है भाई। एक चीज़ है जो हमेशा मुझे वीडियोस में खटकती है, और जो ये DSG वाले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कि थोड़ा कलर और कॉम्बिनेशन लाना था, कलर आप और रखना था इस प्रोडक्ट का, जो कि ये है प्रो रेस या रेस प्रो जैकेट। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो ये कलर है ना नियॉन ग्रीन, ये मैच नहीं कर रहा था, और ये बहुत अलग ही दिखता है, थोड़ा छपरी जैसा। हाँ, फॉर सेफ्टी रीजन ये दूर से दिख जाएगा, बट बाइक में ऑलरेडी कई सारे रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं। बैग भी जो मैं पहना हूँ कार्बोनाडो, उसमें भी कई रिफ्लेक्टर्स रहते हैं। कुछ कुछ जगह पे हम रिफ्लेक्टर्स रहने देंगे, तो इससे आप समझ गए होंगे कि आज हम करने वाले क्या हैं। तो यस, हम जो ये नियॉन पार्ट है, फ्लोरोसेंट ग्रीन है, इसको हम करने वाले हैं दी ब्लैक, जिसकी मदद हम लेंगे इससे फेविक्राइल आर्कलिक कलर्स, जो कि है पेडलाइट का। तो ये आप ये अगर फोकस करेगा तो दिखा देगा। तो ये मुझे डिब्बी पड़ी है मात्र 100 रुपए की, 100 ml। तो देखते हैं इसको पेंट करते हैं, इतने में तो 100 ml में आई गेस हो जाना चाहिए। ऑलराइट, तो आप क्या रिजल्ट देखना चाहेंगे? तो भाई अभी तो ये गीला है, इसलिए अभी शाइन मार रहा है, बाकी अभी जब ये सूख जाएगा हम इसके ऊपर एक और कोट कर देंगे। जो पेंट किया, जो जितनी मेहनत करी, अब ये ऑल ब्लैक बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, है ना। जैसे अभी अभी तो आप इसके पहले तो देखे ही होगे, और अभी कैसा लग रहा है राइडिंग जैकेट वो नीचे कमेंट करके बताना। तो भाई जो हमारा हुआ ना जो हम लोग ट्राई कर रहे थे एक एक्सपेरिमेंट, वो अच्छा हो गया। जैसे पीछे वाला अभी देखोगे, पीछे नहीं हुआ क्योंकि उसमें काफ़ी DSG की ब्रांडिंग थी, वो नहीं हटने वाली थी। तो अभी ऑल ब्लैक में अब राइडिंग गियर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली हमारा ये टैंक पैड वगैरह लग चुका है। तो चलो बाइक को चलाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं हम। लग रहा है ट्रैक्शन पे, तो चलो भाई गाड़ी आड़ी चलाते हैं, थोड़ा मज़े करते हैं। हमको भी ब्लॉग में भाई बाइक का एक दिखाएं जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, चलते हैं वहाँ पे। और हमारे साथ सौरभ सोनी भैया आए हुए हैं, ये हमारे स्कूल के बड़े भैया के हमारे क्लासमेट थे और अभी भी जुड़े हैं, ये पुलिस में है। तो भाई पुलिस हमारे दोस्त, कॉप हमारे दोस्त हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और भैया भी बोल रहे थे जो टनल बना है रीवा में, तो बहुत जल्द अभी वहाँ जाया जाएगा सनी भैया के साथ। तो ठीक है सौरभ भैया, निकलते हैं, चलते हैं। ओके, और ये निकल गई भाई हमारी धन्नो। अरे यार धन्नो, शेट, दिल दुख गया। और ये हमारी निकल गई CZ 900 बाहर, क्या ही ट्रैक्शन आ रहा है, मज़ा ही आ गया। और एक चीज़ नोटिस करोगे आप लोग, साउंड बढ़ता जा रहा है बाइक का, स्लिप ऑन का। ECU से कुछ रहता है क्या यार? धीरे धीरे एग्जॉस्ट की आवाज़ खुल रही है, स्लिप ऑन की लाउड हो गई। सही है यार, हमारा एक तो फुल सिस्टम आ चुका है, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा फुल सिस्टम। मजा आए तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना यार। व्हीली को लेकर तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ भाई, व्हीली मत किया करो, मैं खुद गलत हूँ, इट्स इलीगल टू डू व्हीलीज। बट अगर मैं नहीं करूँगा तो आप लोग तो नहीं करोगे ना, और आप लोग को चाहिए एंटरटेनमेंट, तो मुझे व्हीली मारना पड़ता है। ऐसी सड़कों पर नहीं मारता जहाँ एक क्राउड हो। तो आप लोग देखते हो कि संडे जब राइड होती है प्रॉपर नेशनल हाईवे में, तो वहाँ मारते हैं, तो उसके लिए मैं खुद ही आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। जय हो भगवान, रक्षा करना। और ये क्वालिटी कंटेंट देना तो हमारा काम ही है भाई, है ना। तो इसलिए आप देख रहे हो इतना अच्छा मोशन ब्लर, और मैंने गलती से डाल दी है सदर से, जहाँ होता है हमेशा की तरह ट्रैफिक। ट्रैफिक और सुपर बाइक, इनका मिलन नहीं है। अब ऐसे ही मैं किसी के कान के पास जाके हाई 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 कर दूंगा, वो तो देखेगा ही ना, और बड़े यूट्यूबर्स डाल देते हैं पब्लिक रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, यूथ को गुमराह नहीं करना चाहिए कि यूट्यूब में आना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। व्लॉगिंग करो भाई, व्लॉगिंग। ओ भाई धूप, इसी धूप को तो काटने के लिए एंडी फिल्टर लगा है। ऑटो, एक और ऑटो, ऑटो से भी देखो ये भाई लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहा है, तो ये राइट भी मुड़ सकता है कभी भी। हमको ये बीच से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमको खुद पे भरोसा है, पर ये ऑटो वाले पे भरोसा नहीं है कि भगवान ये सीधा जाएगा, राइट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, कहाँ जाएगा, या अल्लाह ये तो सीधे जाएगा। एक तो सनसेट आग के सामने होता हुआ, और पूरा हमारा जो हेलमेट का वाइजर है चका चांद हो गया है। तो भाई कार्तिक भाई, तुमको भी एंटी ग्लेयर लगा लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं इसको, एंटी फॉग। हाँ,
आ गए हम डिटेलिंग डेविल्स। और भैया क्या हाल चाल? बहुत सब बढ़िया। समीर भैया कहाँ है? अंदर ही है। क्या लग रही है भाई हमारी सीजन 900 एकदम वहाँ चुम्बेश्वरी अलग ही लेवल है भाई। शाइनिंग देख रहा है, खतरनाक। ऑलराइट तो अब निकला जाएगा। यहाँ भैया की बाइक में भी कुछ काम होने वाला है, वो आपको बाद में अलग से दिखाऊंगा। तो अभी चलो फिलहाल चला जाए शॉप में। आर साइड अभी बोर्ड का काम चल रहा है तो वहाँ से नहीं निकल सकते, तो अभी अपन पीछे से निकल रहे हैं। तो गाड़ी देख रहे हो भाई क्या चमचमा रही है, टायर आयर में भी पॉलिश लग गई है एकदम मस्त। कार्तिक कस्टम्स, तो 9 तारीख को इनॉग्रेशन है तो आना रहेगा, हमारी बाइक भी डिस्प्ले होगी सारी चीज़ें। कोल स्टार्ट, गाड़ी की आवाज़ बढ़ गई है। धीरे धीरे कार्बन जमता जाएगा ना तब साउंड तेज होता है, ऐसा संकल्प भैया ने बताया। और बाकी हमारे पास हेडर्स वगैरह तो सारी चीज़ आ ही चुके हैं, तो वो लो तो लगा के आग मचाएंगे ही शहर में। रिएक्शन देखते हो भाई, अलग ही रिएक्शन आते हैं बाइक पे। अभी एक तो टायर में पॉलिश लगी है ना तो मेरे को अलग डर लग रहा है। और ये रास्ते में जा रही है गाय या घोड़ा? घोड़ा है भाई यह हमारे भाई मजनू भाई का घोड़ा है जो पेंटिंग में दिखाते हैं, यही तो रात में नहीं दिखते हैं एकदम से। एक तो वैसे ही कार वगैरह के सबके शेडो रहते हैं, फिर एकदम से जब लाइट पड़ती है ना तब सामने आते हैं, तब तक तो खेल हो जाता है। आई लव दिस बीस्ट यार, आई लव दिस बीस्ट। ये बहुत अच्छा डिसीजन था मेरी लाइफ में सुपर बाइक लेने का, तो बिना सुपर बाइक के मज़ा ही नहीं है लिटरली। ये पूरा घूमेगा, वाह यार स्वैग। ओए होए 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 सिम्फनी। और ये लगा जाम, आई हेट ट्रैफिक यार, आई हेट ट्रैफिक। और अभी गाड़ी एकदम धुली है ना तो मेरे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि टायर हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, नहीं तो अभी तो हम कटट मार के निकल रहे होते। पर बिल्कुल नहीं करना है ये सब, क्योंकि अब ब्रोसेना भी हमें देख रही है कि कहाँ कार्तिक भाई गलती करे और हम पकड़े और बोले ये गलत है। गलत से याद आया सामने चेकिंग तो नहीं लगी? नहीं नहीं लगी, ठीक है ये अच्छी बात है। चुपचाप निकलते चलो कार्तिक भाई। ओके लेट्स गो। ये रेड्स वाला है थोड़ा, ओहो। तो अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी क्या, बाकी तो सब बढ़िया ही है। हट जाओ, ओहो। स्पोर्ट्स मोड में क्या खींचती है भाई। अब इसकी सर्विस हो जाए तो हम इसका पूरा रेड लाइन तक खींचे। तो मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ। हेलो, देखो हमारी एडिटिंग रूम में कौन आया है, कौन आया है हमारी एडिटिंग रूम में? अरे सिरी सिरी, पहचान हो गई। चच्चू के पास देख रही है कि ये क्या है। चच्चू ये क्लब में क्यों रहते हैं? ये क्लब लग रहा है पूरा, है ना? लाइट्स, अरे
अरे अरे अरे और गाइस, तो कैसी लगी वीडियो? मुझे कुछ आपसे पूछना था। तो ये वीडियो आपको पसंद आया, लगभग 2 या 3 दिन का शूट था और सारी चीज एक वीडियो में दिखा दी। 13 से 15 मिनट के वीडियोस आएंगे हर दूसरे या तीसरे दिन में। तो अगर ये चीज आपको अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सारी चीजें कोई बकवास चीजें नहीं, एडिटिंग, सिनेमैटिक, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग, बाकी सारी चीज इस व्लॉग में आपको देखने को मिली। बाकी कैसा लगा वीडियो का टाइप, स्ट्रक्चर, एडिटिंग और सारी चीजें तो नीचे कमेंट करके बताना। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फुल सिस्टम एग्जॉस्ट के साथ।